अरविंद हो जाए भी इस वक्त हमारे साथ। अरविंद, क्या जानकारी है वहां से? अभी जो गाड़ी पलटी है, अभी किसी को चोट तो नहीं आया था? दो तीन लोगों को चोट आई है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऐसा हादसा हुआ है, एसटीएफ के काफिले का ये वो गाड़ी थी जिसमें बकायदा जो एसटीएफ के लोग थे वो सवार थे, और इस ये गाड़ी जो है पूरी तरह से पलट गई है। ये पूरा एसटीएफ का काफिला था, आप देख पा रहे हैं, पूरा हथियारों से लैस एसटीएफ के लोग उज्जैन से लेकर आ रहे थे, और उसी दौरान ये गाड़ी पलट गई है। और ये दो तीन गाड़ियों का काफिला था जो उज्जैन से विकास दुबे को लेकर आ रहा था, उसी दौरान ये जो कार थी ये पूरी तरह से पलट गई। दो से तीन लोग घायल है, एसटीएफ के अधिकारी। कितने लोग घायल है सर? आप ये देख पा रहे हैं, ये जो गाड़ी है ये पूरा काफिला था, और इसी काफिले में क्या आप इसी गाड़ी में बैठे थे? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो तमाम जो ये पूरा काफिला था विकास दुबे का, जो उज्जैन से लेकर आ रही थी गाड़ी, वो गाड़ी अचानक से यहाँ पर पलट गई है, और काफिले में तमाम लोग यहाँ पर सवार थे। हमने कुछ एसटीएफ के जवानों से भी बात कराई। अब विकास दुबे कहाँ किस गाड़ी में था ये देखना होगा, किस गाड़ी में था किस गाड़ी में था? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बड़ी बात है, यहाँ पर जो पूरा काफिला था वो काफिला पलट गया है, और ये वो काफिला है आपको बता दूं जिसमें विकास दुबे को उज्जैन से लाया जा रहा था, लेकिन ये काफिले में सवार थी, ये उज्जैन से ये गाड़ी आ रही थी और अचानक से पलट गई। कहना है कि दो से तीन लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन किसको चोटें आई हैं ये अभी पता नहीं चल सका है। लेकिन ये देख पा रहे हैं जो हथियारों से लैस जो एसटीएफ के जवान है ये उज्जैन से ही आ रहे थे विकास यादव को कस्टडी में लेकर, और तभी ये हादसा हुआ। ये जो स्कॉर्पियो गाड़ी आप देख पा रहे हैं, एसटीएफ की टीम है, ये जो वो काफिला है जिसको आज तक की टीम सुबह से ही चेस कर रही थी, और इसी दौरान ये हादसा हुआ। अब यहाँ पर कानपुर की लोकल जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंच गई है। कितने लोग घायल हैं? कोई नहीं, अभी नहीं, आप घटना स्थल थोड़ा सा दूर रहिए। ये विकास दुबे कैसी गाड़ी में सवार था मुझे कुछ नहीं मालूम है, अभी हम लोग तुरंत सूचना पर आए हैं। अभी आप लोग दूर रहिए, थोड़ा सा दूर रहिए। देख पा रहे हैं बड़ा हादसा यहाँ पर, जो विकास दुबे को उज्जैन से लेकर जो एसटीएफ की टीम आ रही थी वो, चूंकि यहाँ पर बारिश भी हो रही है इस वजह से, क्या विकास दुबे इसी में सवार था सर? विकास दुबे इसी में सवार था? देखिए यहाँ पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन हम एक बार आपको फिर दिखाते हैं। जो जो ये काफिला था विकास दुबे इसी गाड़ी में बैठा था ना सर? बड़ी बात आपको बता दूं, विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, और इसका एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर। आपको बता दूं, बड़ी खबर यही है कि विकास दुबे, ये बड़ी खबर दे रहे अरविंद हो जाती है, विकास दुबे इसी गाड़ी में था। आपने अभी जिस शख्स से बात की, अरविंद जरा वापस से क्लेरिफाई कीजिए, क्योंकि आपने अभी जिस शख्स से बात की वो कौन थे, और उन्होंने, हमने सुना उन्होंने ये लाइन कही कि हाँ इसी गाड़ी में सवार था, ये बड़ी खबर है? जी बिल्कुल नवजोत आपको बताऊं कि ये वो गाड़ी है जिसमें विकास दुबे सवार था, और ये तमाम जो ये अफसर देख पा रहे हैं एसटीएफ के, ये वो एसटीएफ थे जो उज्जैन से लेकर आ रहे थे। लेकिन ये कार हम एक बार फिर आपको दिखाएंगे, कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता को आए और आकर दिखाएं। हालांकि ये स्पॉट है, लेकिन हमारे कैमरे पर, आज तक के कैमरे पर एक्सक्लूसिव एसटीएफ के अधिकारी ने कहा है कि विकास दुबे जिस गाड़ी में सवार था वो ये गाड़ी है, और ये गाड़ी यहाँ पर पलट गई। उज्जैन से इसको कस्टडी में लेकर जाया जा रहा था, लेकिन ये गाड़ी पलट गई। अब इसमें जो लोग सवार थे वो कहाँ गए ये देखने वाली बात है, लेकिन यहाँ पर कोई अधिकारी खुलकर कुछ नहीं बता रहा है। ये वो काफिला है जिसको नवजोत, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, और हम लगातार चेस कर रहे थे, और हमें रोकने की भी यहाँ पर कोशिश की गई थी, लेकिन ये वो कार है। और हमारे पास जब उस कानपुर लाया गया था तो उस वक्त की तस्वीर है नवजोत, इसी कार में विकास दुबे सवार था और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और एसटीएफ के अधिकारी ने आज तक के कैमरे पर बोला है कि विकास दुबे इसी गाड़ी में सवार था। आपको बताऊं, ये जो तमाम एसटीएफ के जवान है, ये जवान उज्जैन से लेकर उसको उज्जैन से लेकर आ रहे थे, और उसके बाद ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई यहाँ पर, और लगातार यहाँ पर पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। आपको एक एक करके दिखाना चाहूंगा कि ये जो कार है जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था वो पलट गई, उसके अलावा ये जो काफिला है ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो, ये
ये भी काफिला, ये तमाम जो एसटीएफ के लोग हैं इनमें से आधी टीम उज्जैन से विकास दुबे को लेकर आ रही थी, जबकि आधी टीम कानपुर से, जहां से हमने इस टीम को पेश करना शुरू किया। अरविंद, इस गाड़ी के बारे में जो आप जानकारी दे पा रहे हैं वो ये है कि इसमें विकास दुबे सवार था, और आपने जिस शख्स से अभी बात की आपने कहा कि वो एसटीएफ के अधिकारी, और उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि विकास दुबे इस गाड़ी में था, लेकिन इस गाड़ी में और कितने लोग थे, उन लोग को कहां ले जाया गया है अभी, क्या इस बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे वहां से? देखिए, अभी तक कोई जानकारी नहीं है, जो ये पूरा ये जो स्पॉट है इसको घेर लिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे पास तस्वीरें हैं, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं इसी कार की, जिसमें विकास दुबे के अलावा एसटीएफ के लोग भी सवार थे। कुछ देर पहले के अगर विजुअल्स आप देखेंगे नवजोत, जब हम चेस कर रहे थे तो यही वो गाड़ी थी जिसको हम चेस कर रहे थे, और यहाँ पर जहाँ में रोका गया था उसके बाद कुछ दूर यहाँ पर आकर गाड़ी अचानक से पलट गई है पूरी तरीके से, यहाँ सड़क के दूसरी तरफ। अब इसमें विकास दुबे के अलावा जो अफसर थे एसटीएफ के वो भी घायल हुए होंगे, लेकिन यह बड़ी बात है क्योंकि अब से कहाँ है विकास दुबे, क्या इसके बारे में अरविंद ओझा जरा बात कीजिए सभी लोग, क्योंकि आपके बगल में मौजूद है, हालांकि जानकारी कम मिल पा रही लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए, कहाँ है विकास दुबे, क्योंकि अगर इसी गाड़ी में था, दुर्घटनाग्रस्त हुई है, अब उसको कहाँ ले जाया गया है? देखिए मैं वही आपको बता दूं, अब्रप्टली विकास दुबे को कहाँ लेके गए, एसटीएफ के लोग भी अधिकारी भी थे, अधिकारी तो बता दीजिए आपके अधिकारी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से, चूंकि एक अधिकारी ने अचानक से हमारे कैमरे पर बोल दिया, लेकिन चूंकि ये आधिकारिक तौर पर बोलने के लिए इनको, ये आधिकारिक तौर पर नहीं है लेकिन ये एसटीएफ की टीम है, कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता को कहूंगा कि वो जरा वो तस्वीरें जरूर दिखाएं और ये गाड़ी दिखाएं, क्योंकि हमने जब कानपुर में विकास दुबे का जो काफिला एंटर किया था और हम लगातार चेस कर रहे थे, तो हमारी नजर इसी गाड़ी पर ही थी। ये स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसमें विकास दुबे सवार था, और अचानक से ये गाड़ी पलट गई है। जो दूसरा हिस्सा था वहाँ कुछ कांच भी टूटे थे, और इसमें विकास दुबे के अलावा एसटीएफ के कुछ अधिकारी, कुछ जवान जो उज्जैन से लेकर यहाँ आ रहे थे, और यहाँ पर काफिला जो था वो पलट गया। ये जो तमाम जवान है ये उज्जैन से आ रहे थे, इनमें से कुछ ऐसी टीम है जो कानपुर का जो टोल है वहाँ से फॉलो कर रही थी, वहाँ हॉस्पिटल लेके गए। वो विकास दुबे भी इसी में था ना? हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटल गए, असल में मेरे सर में लग गई तो होश नहीं था। अच्छा, आप भी इसी कार में थे? गाड़ी चोट लगी है। चोट लगी ना सर में मेरे। अरे कितने लोग थे इस गाड़ी में? मैं कह रहा हूँ कि मुझे कार नहीं, आप हॉस्पिटल गए, आप वहाँ चले जाइए, करा लीजिए। कौन सा अस्पताल लेके गए? अच्छा, आप देख पा रहे हैं ये जो थे ये इसी गाड़ी में सवार थे। बड़ी खबर, अस्पताल ले जाया गया है सभी को। ये इसी गाड़ी में सवार थे, और ये हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं, ये वो कार है, हम दिखाने की कोशिश करेंगे, आप ये नौजवान जरूर देखें, क्योंकि ये स्कॉर्पियो इस पर हमारी नजर अब से आधे घंटे पहले थी, हमने कैमरे में इसको कैप्चर भी किया जब ये गाड़ी तेज रफ्तार से हमारे गाड़ी के ठीक आगे चल रही थी, और अचानक से ये गाड़ी पलटी है। इसी में विकास दुबे सवार था जिसको उज्जैन से लाया जा रहा था, जिसने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की थी, और इसी ये जो कार है, चूंकि मैं आपको बता दूं ये जो काफिला था तकरीबन 3 से ज्यादा जो गाड़ियां थी वो उज्जैन से आ रही थी, जो कानपुर का टोल नाका है वहां पर अब 2 एसटीएफ की गाड़ियां और थी। अरविंद, अभी आप जिन एसटीएफ के जवान से बात कर रहे थे, अरविंद जिन एसटीएफ के जवान से अभी आप बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि चोट लगी है, सर पर चोट लगी है, सभी को अस्पताल ले जाया गया है, आप वही जाइए, लेकिन किसको लगी चोट? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जिनसे हमने आपने बात की ये एसटीएफ के वो जवान थे जो इसी गाड़ी में सवार थे। हमने आपको बैक टू बैक 2 एसटीएफ के अधिकारी हैं, 2 से 3 अधिकारियों की बाइट भेजी है, जिसमें से एक अधिकारी ने एक्सक्लूसिव हमारे कैमरे पर कहा है कि विकास दुबे इसी गाड़ी में सवार था। तो अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विकास दुबे इसी गाड़ी में सवार था, और ये जो गाड़ी है वो अचानक से पलटी है, जिसमें ये जवान आप देख पा रहे हैं, ये जो जवान है जो इन्होंने AK-47 पकड़ा हुआ है, ये खुद उसी गाड़ी में थे, इनको काफी चोटें आई हैं। इसके अलावा एसटीएफ के कुछ अफसर और भी हैं जिनको चोटें आई हैं, और उनको नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी एक टीम जो है नवजोत, वो अस्पताल भी जाहिर तौर पर पहुंचेगी,
वहाँ पर पहुँचेगी। वहाँ वहाँ का वहाँ क्या अरविंद, ये कौन सा एरिया है जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है ये भी बताइए। जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो कानपुर टोल नाके से तकरीबन 25 किलोमीटर जब हम यहाँ पहुंचे थे, तकरीबन 25 किलोमीटर का ये इलाका होगा। ये कौन सा इलाका, एग्जैक्ट इलाका कौन सा है, कौन ये एग्जैक्ट इलाका कौन सा सर? मैं तो अभी आया हूँ। आप देख पा रहे हैं आसपास की जितने पुलिस टीम है वो यहाँ पर नवजोत पहुँच गई है। भारी बारिश हो रही है नवजोत, यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और उसी बारिश में तेज रफ्तार थी। कोशिश जो एसटीएफ की टीम थी उनकी ये थी कि मीडिया के कैमरों से बचाया जा सके और किसी तरीके से अननोन लोकेशन पर ले जाया जा सके। इसके लिए जो प्राइवेट गाड़ियां थी उसको भी जाम कर दिया गया था, लेकिन यहां पर कुछ दूरी पर आते आते यहां पर ये हादसा हो गया है, आप देख पा रही हैं। और इसी गाड़ी में जो विकास दुबे था वो सवार था, एसटीएफ के एक अधिकारी ने एक्सक्लूसिव क्या विकास दुबे भी घायल हुआ है? दुबे उच्चैन से लाया जा रहा था हाईवे रोड, ये काफिले में सवार थी, ये उच्चैन से गाड़ी आ रही थी। और मैं सुनी पहले रोक के हैं बोलो गाड़ी कहाँ आपने? और ये वही गाड़ी है जो पलटी, आपको बता दें कि अरविंद ओझा लगातार हमें बता रहे हैं क्योंकि ये गाड़ी की तस्वीरें सुबह से लगातार आज तक आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि ये वही गाड़ी थी जिसमें विकास दुबे सवार था। अरविंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद ये जानना चाहेंगे कि बगल का कौन सा एरिया, पहली बात तो ये कौन सा एरिया, दूसरा अस्पताल कितनी दूरी पर है यहां से जहां पर ले जाया गया विकास दुबे और बाकी घायल पुलिसकर्मियों को? तो अरविंद हमारे सहयोगी लगातार टोल से 25 किलोमीटर दूरी पर जाकर ये गाड़ी पलटी है टोल पर, जैसे कि सुबह से तस्वीरें आज तक आपको दिखा रहा था एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि मीडिया कर्मियों को पीछे छोड़ दिया गया था, पीछे रखा गया था और विकास दुबे को ले जाता हुआ एसटीएफ का ये पूरा काफिला जिसको आगे जाने दिया गया था, तेज रफ्तार से किसी अननोन जगह पर ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और ये वही गाड़ी है। देखकर अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि सुबह से आज तक इस गाड़ी की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से गाड़ी वहां पर पलटी और इसी गाड़ी में विकास दुबे था। जब पूछा गया वहां पर लोगों से, पहली बात तो पुलिस कुछ कहने को तैयार नहीं, लेकिन एक दो पुलिस ऑफिसर्स ने जो बताया वो ये है कि जिस तरीके से ये गाड़ी पलटी है काफी गंभीर चोटें आई हैं लोगों को, सर में भी चोटें आई हैं, विकास दुबे इसी में सवार था और सभी को ले जाया गया है पास के अस्पताल में। अस्पताल कौन सा है इसके बारे में कुछ भी कोई बताने को तैयार नहीं है। तो जैन से कानपुर तक पल पल की खबर आज तक आपको दे रहा है। बड़ी बात यह है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। आपको बता दें कि टोल नाके पर जिस वक्त हमने कुछ ही क्षण पहले आपको जो वो तस्वीरें दिखाई थी कि टोल नाके पर मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया था ये कहते हुए कि सभी गाड़ियों की चेकिंग होगी जो भी गाड़ियां वहां से निकल रही हैं, तो कोशिश यह की गई थी कि गाड़ियों को रोका जाए और एसटीएफ की वो काफिला, वो गाड़ियां जिसमें विकास दुबे को ले जाया गया था, उज्जैन से कानपुर लाया गया था, उन गाड़ियों को आगे ले जाया जाए ताकि किसी अननोन जगह पर ये पूरा काफिला पहुंचे जहां पर विकास दुबे को रखा जाए और वहीं पर उससे पूछताछ की जाए। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसी हाईवे की तस्वीरें हैं जहां पर वो गाड़ी पलट गई है और खबर जो आ रही है वो ये है कि इसी गाड़ी में विकास दुबे हो सकता है। हालांकि कंफर्म कोई नहीं कर रहा है क्योंकि कोई भी पुलिस ऑफिशियल या फिर कोई एसटीएफ का कोई भी अधिकारी यहां पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आसपास के इलाके की सभी पुलिस वालों को वहां पर बुलाया गया है, सभी लोग वहां पर मौजूद हैं, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और ये खबर आई है कि जितने भी लोग इसमें घायल थे उन सभी को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।